स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों पार्ट आज 7 में हम जो कोशिका है उसके पार्ट के बारे में अध्ययन करेगी। ठीक है, मैंने आपको जो 4th और 5th नंबर की वीडियो थी उसमें मैं आपको जो है कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में बता चुका हूँ। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी आप इस टॉपिक को अच्छी प्रकार समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि उस डायग्राम में हमने उस वीडियो में हमने जो है पूरी की पूरी संरचना का अध्ययन एक साथ किया है और अब हम इन छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक कोशिका की संरचना समझा दी थी, इसमें हमने आपको बताया था कि ये मान लेते हैं आपके पास एक कोशिका है। आज हम यहां से अपनी बात को स्टार्ट करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे, इस वाली, ठीक है, स्ट्रक्चर से। ये जो आप देख रहे हैं संरचना, इस संरचना से हम अपनी बात को आज स्टार्टिंग करेंगे। इसी के साथ ही साथ फिर हम अंदर की ओर जाएंगे कोशिका में, उसके अंदर जो विभिन्न कोशिकांग हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है साहब, तो चलिए आज का जो हमारा पहला मुख्य बिंदु लेते हैं, कोशिका कला। ठीक है, पहले बच्चों अगर हम कोशिका कला की बात करें तो कोशिका कला पादप कोशिका में भी होती है और जंतु कोशिका में भी होती है, लेकिन डिफरेंट केवल इतना होता है, अंतर केवल इतना होता है कि जो पादप कोशिका होती है, प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में ये इसका बाहरी आवरण बनाती है। किसका ये क्या है, ये कोशिका भित्ति है। अब ये जो कोशिका भित्ति आप देख रहे हो ना, ये कोशिका भित्ति का सबसे बाहरी आवरण बनाती है। पहले बच्चों मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि जो पादप कोशिका होती है यानी कि जो पेड़ पौधों की कोशिका होती है उसका जो बाहरी आवरण होता है वो कोशिका कला कहलाता है। किसके, कोशिका भित्ति के जो बाहरी भाग की रचना करता है उसी को हम कोशिका कला कहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हम उसी को कहते हैं, यानी कि सेल वाल का, कोशिका भित्ति का सेल वाल का जो अंदर वाला जो बाहर वाला भाग होता है, ये वाला भाग देख रहे हो, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें तो बच्चों ये जो कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका की, ये किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। कई बार विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है या फिर किस पदार्थ की बनी होती है या किस जटिल पदार्थ की बनी होती है, तो आपका सीधा सीधा एक ही आंसर होना चाहिए, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज क्या है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। हालांकि कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन हम आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि सेलुलोज क्या होता है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि एक जटिल जैव अणु होता है। ठीक है, तो कोशिका कला की जो बाहरी आवरण वाली ये बात है, ये वाली, इसी को कहते हैं कोशिका कला। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि कोशिका के अंदर पदार्थों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता होगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले एनिमल सेल की बात करें, जंतु कोशिका की बात करें, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति, ये वाली जो भित्ति आप देख रहे हो, मोटे वाली दीवार, ये नहीं होती, बल्कि उसमें डायरेक्ट कोशिका कला ही होती है। ठीक है, अब अभी मैं बताता हूं आपको कि कोशिका कला क्या काम करती है, कोशिका में इसका क्या कार्य है, ये पदार्थों को किस प्रकार अपने अंदर जाने देती है और अंदर से किस प्रकार पदार्थों को बाहर आने देती है, तो इसके कार्य पे चर्चा करेंगे, इसके कार्य। ठीक है, आप चाहे तो जो मैं आपको बात यहाँ से साथ के साथ क्लियर कर रहा हूँ, आप उसको चाहे तो साथ के साथ भी नोट कर सकते हो अपनी भाषाओं में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कार्य पे चर्चा करेंगे कि इसका क्या कार्य है। प्यारे बच्चों, ये जो इसकी कोशिका भित्ति आप देख रहे हो मोटी है, ठीक है, तो इसके अंदर पदार्थ बाहर से अंदर कैसे जाएंगे और अंदर से बाहर कैसे आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, एक विसरण प्रक्रिया होती है, विसरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही यहाँ पदार्थों का आदान प्रदान होता है और इसके लिए सभी पदार्थ जो हैं नहीं आ जा सकते, कुछ निश्चित पदार्थ ही इस कोशिका के अंदर आ जा पाते हैं। इसको थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, ठीक है, बाकी अभी चर्चा चलती रहेगी आगे भी। तो इसका कार्य क्या लिख सकते हो आप, पदार्थों का आदान प्रदान करना किसके द्वारा होता है, कोशिका कला के द्वारा होता है। ठीक है,
अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ये जो कोशिका आप देख रहे हो, इस कोशिका के अंदर अगर हम श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो इसी के माध्यम से मिश्रण द्वारा बाहर निकलती है। किसके कारण? जब उच्च सांद्रता और लो सांद्रता की बात होती है, मतलब अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर इनका क्या होता है, इनमें मोशन होता है, इनमें गति होती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक कोशिका कला का कार्य है कि जी क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, सांद्रता के अनुसार इसका आवागमन और निगमन कराना क्या होता है कोशिका का, कोशिका कला का ये भी एक कार्य है। ठीक है, अब इसी के बाद बच्चों अगर मैं बात करें जल की, तो जल का आदान प्रदान यहां पर कैसे होगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये जो झिल्ली है इसके अंदर से पानी, ठीक है, कैसे आ जाएगा, तो वो भी कैसे आ जाएगा, वो भी क्या होगा, अल्पप्रसरण दाबी विलयन में अल्पप्रसरण के कारण यहाँ पर होता है। मतलब प्रसरण दाब के बारे में अगर आपने कभी सुना हो 8th क्लास में, इससे पहले कभी सुना हो, प्रसरण दाब होता है, एक प्रसरण दाब के माध्यम से भी यहाँ पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आपको मैं थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ कि भैया जो जल है, जल का आदान प्रदान भी किसके माध्यम से होता है, प्रसरण दाब के कारण यहाँ पर होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जल का जो पुनः आवागमन होता है वो किस प्रकार होगा, वो प्रसरण दाब के कारण होगा। ठीक है, यानी कि कम मात्रा में जल कोशिका के अंदर जाएगा और कोशिका संकुचित हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे ही पानी कोशिका के अंदर जाता है बाहर से, ठीक है, तो क्या होगा, कोशिका जो है संकुचित हो जाती है, कम पानी ही जा पाएगा, अधिक पानी इसके अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये है कोशिका कला के कार्य। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका कोई एक्सपेरिमेंट करके भी देखें, यानी कि कोई आप जो है इसका एक्सपेरिमेंट करके देखें, जैसे कि आप मान लेते हैं आपने एक नमक का घोल ले लिया, ठीक है, एग्जांपल के लिए आपने एक नमक का घोल ले लिया, पानी ले लिया, और इसमें आप एक एग को डुबोएं, एक अंडे को डुबोएं। ठीक है, जब आप इसको एक अंडे में डुबोगे, पानी में एक अंडा डुबो दोगे, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, अंडे की जो मेम्ब्रेन है वो संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, कि कोशिका जो जो मेम्ब्रेन है, कोशिका कला है, वो सिकुड़ जाती है, यानी कि सांद्रता की कारण। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया, इसमें मैंने नमक का पानी घुला हुआ है और बाहर से मैंने इसमें एक अंडा डुबोया, तो अंडे को जब आप बाहर निकालोगे कुछ समय बाद, तो आप देखोगे जो इसकी मेम्ब्रेन है, अंडे की अंदर वाली परत होती है, तो वो अंदर थोड़ा सा जो है सिकुड़ जाती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे इसके कोशिका कला के फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट कोशिकांग अंतःपरदवी जालिका, यानी कि जो यहाँ पर जालिका होती है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम आपको जो है छोटे छोटे पार्टों के माध्यम से सभी बातें यहाँ पर समझा देंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।